हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो आप लोगों के डिमांड पे है, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी और बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियो लेके आने के लिए, जो कि Asus Tuf गेमिंग लैपटॉप के ऊपर है। FX705DD जो मॉडल नंबर है इस लैपटॉप का, तो इसी के ऊपर आज ये वीडियो होने वाला है। क्या ये लैपटॉप आपको परचेस करना चाहिए, क्या ये लैपटॉप वर्थ है, और उसकी जो प्राइस टैग में आता है जो कि 49,999 रुपीज़ यानी कि अप्रॉक्स 50,000 रुपीज़ में, क्या ये आपको वो वर्थ प्रोवाइड करता है या आपको कोई और लैपटॉप लेना चाहिए इसी की प्राइस टैग में। बस आज के इस वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। प्लस ऐसे बहुत सारे आपकी तरफ से जो रिक्वेस्ट आती है, तो डेफिनेटली मैं सारी रिक्वेस्ट फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको जल्दी से जल्दी आपके जितने भी आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बट आज के इस वीडियो में हम फिलहाल ये क्वेरी को जो वो सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे इस रिव्यू को। तो हमारे पास अभी एक्चुअली जो फिजिकल प्रोडक्ट तो अवेलेबल है नहीं, बट हम इसके जो ऑन पेपर जो स्पेसिफिकेशंस है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या ये आपको अभी लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर मैं अगर स्टार्ट करता हूँ इसके डिज़ाइन लाइनअप से, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिज़ाइन लाइनअप है, बहुत ही ज़्यादा एक प्यारी सी डिज़ाइन है। प्लस यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज देखने को मिलता है, यानी कि ये 17 इंचेस का डिस्प्ले है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा डिस्प्ले है। और यहाँ पर अगर मैं इसके वेटेज की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको थोड़ा हैवी वेट यानी कि थोड़े से ज़्यादा ही हैवी वेट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 2.70 kg का यहाँ पर जो वेट देखने को मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो हैवी वेट लैपटॉप है। बट ऑब्वियसली एक गेमिंग लैपटॉप है तो आपको इतना हैवी तो ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम इसके कीबोर्ड सेक्शन पे आते हैं, तो कीबोर्ड्स में आपको RGB लाइटिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड्स है, वेल टेस्टेड है, तो आपको ऐसे कोई इश्यूज इन फ्यूचर नहीं आने वाले हैं। प्लस ट्रैकपैड में भी आपको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। अब बात करेंगे इसके चिपसेट के बारे में, तो चिपसेट में आपको इसमें देखने को मिलती है Ryzen 5 की चिपसेट, जो कि 3550H की चिपसेट है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। अगर मैं यहाँ पर Ryzen की कभी भी हमेशा बात करता हूँ, तो Ryzen में आपको बूस्ट परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है, गेमिंग परफॉर्मेंस टॉप लेवल की देखने को मिलती है, तो टॉप नॉच परफॉर्मेंस आपको इसमें देखने को ज़रूर मिल जाएगी। प्लस यहाँ पर मैं अगर रैम और स्टोरेज की बात करता हूँ, तो इसमें आपको 8 GB की रैम जो आप 32 GB तक जो है एक्सपांड कर सकते हो ईजिली। प्लस यहाँ पर आपको 1 TB की हार्ड ड्राइव देखने को मिलती है। बस इतनी सी कमी है कि इसमें अगर आपको SSD मिल जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है कि यार आपको इसमें SSD सिर्फ अगर सिस्टम के लिए भी मिल जाती तो बहुत ज़्यादा एक फास्ट और एफिशिएंट सिस्टम आपका जो यहाँ पर बिल्डअप हो जाता। बट खैर जितना भी है अभी तक दिया है बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं ग्राफिक्स के बारे में। अगर आपको एक प्रोसेसर चाहिए, प्रोसेसर के साथ अगर आपको तगड़ी गेमिंग चाहिए, फोटोशॉप करना है, आपको प्रोग्रामिंग, आपको डेवलपिंग काम करना है, जो कोडिंग जैसे रिलेटेड वर्क्स होते हैं, उन सब के लिए ग्राफिक्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। स्पेसिफिकली अगर हम गेमिंग्स की बात करते हैं, तो प्रोसेसर अगर थोड़ा अंडर पावरफुल होगा तो भी चलेगा, बट यहाँ पर जो ग्राफिक्स होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है यहाँ पर। तो इसमें आपको Nvidia का G4 GTX 1050 का 3 GB का यहाँ पर जो है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी देखने को मिल जाता है। अब ये थोड़ा पुराना ग्राफिक्स कार्ड है, अगर यहाँ पर आपको 1650 मिल जाता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, बट फिर भी 1650 और ये 1050 जो भी है यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है ये ग्राफिक्स कार्ड भी आपके लिए ठीक ठाक परफॉर्म कर लेगा। ठीक ठाक यानी ठीक ठाक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ठीक ठाक यानी कि आप ऐसे मत समझो कि ये एवरेज परफॉर्म करेगा, एवरेज से ज़्यादा ही आपको ये परफॉर्मेंस जो है डिलीवर करेगा, क्योंकि ये ग्राफिक्स कार्ड भी उतना ही पावरफुल है जितना कि 1650 पावरफुल है। तो ग्राफिक्स का भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल चुका है कि आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है। इसी के बाद आपको यहाँ पर विंडोज 10 का सपोर्ट देखने को मिलता है। बैटरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो इतना बड़ा लैपटॉप है तो कंजम्पशन भी बहुत ही ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर आपको 4 सेल की बैटरी देखने को मिलती है। प्लस इसमें आपको काफ़ी अच्छा बैटरी का सपोर्ट देखने को मिलता है, यानी कि चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो 4 सेल की बैटरी तो ह्यूज होती है, बट एसएस डिवाइसेस के लिए 4 सेल की जो बैटरी होती है वो भी थोड़ी कंजम्पशन जो है ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर आपको जो ऑप्टिमाइजेशन मिलेगा वो Asus की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और जितने भी Asus के जो अपकमिंग लैपटॉप से जितने भी हमने जो प्रीवियसली भी यूज़ किए हैं, तो जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो आपको आफ्टर सेल सर्विस में भी ऐसी कोई इश्यूज़ फ्यूचर में कोई भी फेस करने को नहीं मिलने वाले हैं। फाइनली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो पोर्ट्स के बारे में, तो पोर्ट सेक्शन में आपको सभी तरह के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, फिर चाहे USB हो, फिर चाहे वो HDMI हो, और जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हो बिफोर बाइंग दिस लैपटॉप। प्लस यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ इसके वेबकैम से, तो यहाँ पर आपको 720p का वेबकैम भी देखने को मिलता है। तो अगर आपके यहाँ पर जो कुछ वीडियो कॉलिंग्स होते हैं, अगर आपको लाइव स्ट्रीम भी करनी है तो आप इसको यूज़ में ले सकते हो, या तो आप इसमें जो एक्सटर्नल वीडियो का भी यहाँ पर जो भी यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो। तो ओवरऑल मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लैपटॉप है। और जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर जो वो डिमांड किया था रिव्यू के लिए, तो यही इसका रिव्यू है। मुझे लगता है ये 49,999 रुपीज़ में बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा लैपटॉप है। हालांकि ये जो प्राइस है वो मैंने फ्लिपकार्ट पे देखी थी, तो करंटली वहाँ पर जो आउट ऑफ स्टॉक है, बट फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा अमेजॉन प्लस फ्लिपकार्ट दोनों की, आपको जहाँ पर भी अवेलेबल होता है आप वहाँ पर जाकर जो वो ज़रूर से बाय कर सकते हो। वैसे आज के इस वीडियो में इतना है। अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज है, अगर आपको और भी कुछ कंटेंट अगर आपको चाहिए, डिमांड ऑन कंटेंट, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको जल्दी से जल्दी वीडियो देना मेरा काम है। तो बस मिलते हैं ऐसे हमारे नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए।